अरे भाई तू नबियों वलियों को किधर लाके खड़ा कर रहा है? मक्खियां मच्छर? मैंने कहा बिल्कुल, नबी वली मक्खियों और मच्छर बनाने नहीं आए। ये कहना मक्खी नहीं बना सकता, मच्छर नहीं बना सकता, अरे भाई ये नबी के हवाले से तेरी जुबान चल रही है। नबी वली कोई मक्खियों और मच्छर बनाने आए? और ये सात पैर ये टाउन का मालिक है मलक रियाज, और मैं आका मलक रियाज नलका नहीं लवाना। गल बंदा ओ समझावे ना जिहड़ी ज़हन विच वड़े आ। ओ मैं कहूं कि बेरिया टाउन का मालिक, देखो ये जनाब नलके की बात, ये देखो जी टूटी टूटी हुई है। लोगों ने कहना यार इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इतना बड़ा वो बिल्डर है, इतना बड़ा आदमी है, वो उसको यार ऊपर की बात कर, कोई सेक्टर की बात कर, तू नलके तक रुका हुआ है। ओ ये नलके मलके तो उसके नौकर जाकर करते हैं यार, और तू मक्खियां मच्छर की बात करता है। और मक्खियां मच्छर तो छोटी बात है, मेरे नबी के मुक्तदी की ताकत इतनी है कि हजरत ईसा खुद फरमाते हैं वाउब्रियुल अकमह वल अबरसा वाउहयिल मौता, मैं अंधों को बीना करता हूं, मैं कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूं, और मैं मुर्दों को जिंदा करके खड़ा कर देता हूं। जब मेरे नबी के मुक्तदियों की यह शान है कि वो सौ सौ साल पुराने मुर्दे जिंदा करके खड़े करते हैं, तू मक्खियां मच्छर लेके फिर रहा है क्या? ये मैंने घर की कोई, मैंने अपनी इंग्लिश की किताब का वाला नहीं दिया, अल्लाह की लारे किताब कुरान की आयत पढ़ी है। ईमान से बताओ कि क्या नबियों वलियों के खिलाफ ये जहर नहीं बोला जा रहा? नबी वली मक्खी का मच्छर मक्खी का पार भी नहीं बना सकता। हाँ, ये नबियों वलियों के बारे में ये आयत नहीं है, ये बुतों के बारे में है। और वाकई जो बुत हैं वो पर भी नहीं बना सकते, वो मक्खी मुंह पे बैठी हो उड़ा भी नहीं सकते, उनके अगर कोई चीज उठा के ले जाए छुड़ा भी नहीं सकते, मच्छी मक्खी और मच्छर वो से। लेकिन तू नबी वली की बात करता है, वो इन छोटी छोटी कामों के लिए नहीं आए, उनकी ये ताकत है, वो पंगुड़े में लेटे हैं, चांद को कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं। हाँ चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। प्यार से जरा कहना है, क्या ही चलता था इशारों पर, ओए तुझ मुझ में और नबी में फर्क यह है, जब तू पैदा हुआ वजीर मशीर का बच्चा पैदा हुआ, उसका खिलौना कोई गाड़ी कोई कार, ओए कोई गेंद कोई बल्ला बना, ओए नबी वो है जो दुनिया में आया पंगुड़े में लेटा, उसका खिलौना रब ने चांद को बना दिया है। क्या ही चलता था इशारों पर, इधरा खिलौना नूर कदम चुवारे बंदा सामने ना बैठा ना बेटा, जे बंदा पढ़ ना सके है ना। क्या ही चलता था इशारों पर, होए क्या ही चलता, सैयदी आला हजरत का मोहब्बत का एक शेर और भी पढ़ लूं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना,
ओए तू गए ने नूर तेरा। मेरे नबी का डर जमीनों ने भी माना, चांद ने भी माना, सितारों ने भी माना, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब अल्लाह की दी हुई ताकत की बदौलत हर चीज पर पावर मेरे नबी की चल रही है। नबी को ताकत देने वाला कौन है? हाँ अल्लाह। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो कहे कि नबी वली को अल्लाह के बगैर कोई ताकत मिलती। अरे जब अल्लाह की अता के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता तो चांद के टुकड़े कैसे करेगा? सब कुछ नबी वली करते हैं, लेकिन हजरात प्लीज, नबी और वली का रिश्ता जो है ना, वो लड़ाई वाला ना बयान किया करो कि अल्लाह के मुकाबले में। भाई नबी वली मुकाबले में करता ही कुछ नहीं है। नबी वली अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं करता, नबी वली अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ करता है। टक्कर और होती है, लड़ाई और होती है, मुकाबला और होता है, प्यार। लड़ाई से चाचा नहीं बैठे, मैं आखा वो चाचा ने कहा मौलवी की तो बात है ना, बात समझे ना। मैं आखा तू टोपी सिर तो ला, इन्हें कह तू टोपी की गल कर दे, मैं तू पैर पीछे नहीं हटाना। चाचा जी टोपी जरा मैंने दो ना, मेरी बात समझ आई? ये हुण मैं चाचे रहिंदे, मैं कहा चाचा जी ए टोपी लाओ ना, मेरे सिर ते रख दो। हुण बंदा आके कौन है जिहड़ा इस्म शरीफ की तुहाडा सामने तुसीं आ गए हो, ते हुण सिर यूनस साहब, ओए कौन है जिहड़ा यूनस साहब दे सिर दा बाल भी डंगा करो? कोई नहीं कर सकता, पर लाडा नाल टोपी है ते हजरत साहब लोगों को सही समझाओ। नबी वली अल्लाह की टक्कर में कुछ नहीं करते हैं, वो अल्लाह की टक्कर लेते ही नहीं है, वो तो रब के आजिज बंदे होते हैं, वो तो रब की आजजी में जिंदगी गुजारते हैं, वो तो रब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं। नबी वली खुद करते ही कुछ नहीं है, और रब जब करम उसके जोश में आता है फिर वो कह देता है मेरे यार जो मांगेगा दूंगा। आए हाय